वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। हम मुंह धो के आ चुके हैं भाई, मुंह सिंपल होना चाहिए, नो मेकअप नो कुछ। मुझे अपना उल्लिया ऐसी बहुत बेस्ट लगता है भाई, आप लोगों को भी उम्मीद है ऐसी अच्छा लगता होगा। मेकअप मुझे पसंद नहीं आता यार। खैर आज हम कहाँ जा रहे हैं यार, आज हम कहाँ जा रहे हैं, थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा, हम कराची ईद दोबारा जा रहे हैं। क्योंकि यार हमने चीजें एक्सप्लोर नहीं की थी सही से, ना हमने खाया था ना हमने सही चीजें देखी थी, क्योंकि हम बहुत लेट गए थे यार। अभी भी 6 बज गए और आजम साहब अभी तक नहीं है, तो हम सिर्फ 2 जा रहे हैं, आजम और मैं। आजम के शायद कुछ दोस्त हों, शायद मेरे भी दोस्त हों, लेकिन वहीं जाके पता चलेगा क्योंकि वो वहीं मिलेंगे। तो अभी हम सिर्फ आज जा भी कैसे रहे ये भी दिखाएंगे, और इतना रास्ता नहीं दिखाएंगे, वहीं जाके व्लॉग ओपन करेंगे और बनाना शुरू करेंगे। सो वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। हाँ तो भाई हम हो गए रेडी और आज हम जा रहे हैं अपनी बाइक पर। सो यार आपने बोला होगा ये मैंने क्यों पहन लिया, ये मैंने इसलिए पहना है कि मेरे अंदर के बाल खराब ना हो सकें। तो हम सिर्फ आजम का वेट कर रहे हैं और फिर निकलते हैं, तब तक बाइक निकालते हैं। यार जैसे ही कराची पहुंचे वैसे ही पता चला कि गेट्स ऑफ हो गए हैं और लोग कूद कूद के अंदर जा रहे हैं। तो जहां से ये आंटी अंदर जाने का ट्राई कर रही हैं, हम भी यहीं से गए, लेकिन अंदर जाके टिकट्स ऑफ हो गए और आवाम का बहुत रश था, लेकिन हमारी आवाम ने तोड़ दिया गेट, जिसकी वजह से अंदर तो आ गए लेकिन इनमें से बहुत सारे जाहिल लोग भी अंदर आ चुके थे यार, और पूरे कॉन्सर्ट की बजा दी। फाइनली फाइनली हम लोग जमीन पे पहुंच गए हैं। मैं कूद के आया हूं, सोच मैं थोड़ा सा आगे आया, गेट टूट गया, मैंने कहा वाह मेरे लिए खुद ही रास्ते बन गए। आज के आप लोगों को मंजर दिखे, हम आज बिना टिकट के अंदर घुसे भाई, इन साहब की वजह से ये हर जगह कहीं पे भी घुसा देता है। हम गेट कूद के आए आज और लोगों ने यहाँ पे सब कुछ तोड़ मोड़ भी दिया है भाई, सब तोड़ दिया और फुल चल रहा है, लेकिन फुल तो नहीं चल रहा है यार, लेकिन चलो फिलहाल डिसाइड करते हैं कि करना क्या है, क्या करें। तुमने यहाँ पे कुछ खाया है? नहीं, पिज्जा वन खाया था कल, बेकार था। जलेबी एक्सप्रेस और दिल्ली गेट है, चेक करते हैं दिल्ली गेट पे क्या मिल रहा है। क्या क्या है? चिकन मखनी कबाब, चिकन मलाई, मखनी मलाई, चिकन मखनी टिक्का। कैसे क्या करना है? गाजर हलवा, गुलाब जामुन, क्या खाएं? क्या है? आई थिंक सो पावा जी यही है, तो मेरे शूज उतारो। बहुत रश है। बीफ मायो रोल, बीफ रोल क्या खाएगी? क्या क्या है? बीफ रोल खा ले, बीफ मायो रोल खा लिया, चिकन चिकन चटनी रोल खाऊंगा मैं। अभी शुरुआत उससे करते हैं, उनके पास बन कबाब भी है। दो बन कबाब, प्लेट में। वाह भाई वाह, चटनी मत गिरा लेना, ये आपके बन कबाब। थैंक यू। हेलो, भाई हम बुलान का क्या कहते हैं ये ट्राई कर रहे हैं। जब तो सही यहाँ पे हमारे सुपर बर्गर वाले को खोलना चाहिए था, वही राज होता सिर्फ। चीटोस बर्गर, ओके। मुझे तो लग रहा है आज कुछ खाने को भी नहीं मिलेगा हम लोगों को। एलेक्स भट्टी आ रहा है, एलेक्स भट्टी
तू अब भाई नहीं, लेकिन भाई समझ के ले जाएगा तुझे, तू मत जाइयो आसपास। बर्गर सोच कर आई हो तुम घर? यार बर्गर ट्राई करते, मैंने चीटोस बर्गर सोचा हुआ। ये जी बार बार है तुम्हारी? हाँ, लेकिन ये बड़ा अजीब लगेगा यार। अब ये पूरी लाइन बर्गर स्किप करके ना गोलगप्पे ट्राई करते हैं। क्या कहते हो? ये सब खा लेंगे, मिल भी जाएंगे जल्दी। हाँ ये करते हैं ट्राई। अब कौन आ गया? एक्सक्यूज मी, स्लिप कहाँ से लेनी है? स्लिप यहीं से लेनी है। एक प्लेट गोलगप्पा जी? गोलगप्पा मीठी चटनी वगैरह सब ना लेना। कैसे आ जाएंगे? ठंडे ही होते हैं ये। क्या करो, मजे के बहुत ऊपर गए तो आज है सही है। आज हम लोग खाने का सोच के ट्राई करने के लिए आए थे, लेकिन आज रश बहुत है भाई, रश बहुत है, कुत्तों वाला रश हो रहा है। सब थकार के बैठ चुके हैं कि हम ऊपर अंदर नहीं जा सकते, और आधे लोग तो यहाँ बेचारे बैठे हुए स्क्रीन के आगे, स्क्रीन ये लगी हुई और यहीं बैठे हुए। हम आगे जाएंगे या यहीं से देखेंगे? अब हमें देखते हैं कि हमें कहाँ जगह मिलती है, और खाने का तो अभी हम सोच नहीं सकते क्योंकि बहुत लाइनें लगी हुई हैं। आगे तो पैक है, क्या जरूरत है यार ये सब करवाने की? आ तू गए अंदर। हम लोग जा रहे हैं कॉन्सर्ट के अंदर, लेकिन उससे पहले हम तैयारी कर रहे हैं अपनी अंदर जाने के लिए, पानी की बॉटल्स और अंदर लेके जाएंगे क्योंकि फिर बाहर नहीं निकल पाते हम लोग, तो सारी चीजें लेके जाएंगे। कुछ नजर नहीं आ रहा भाई, कुछ नजर नहीं आ रहा, मैं अपना व्यू दिखाता हूँ आपको। ये मेरा व्यू है, ये व्यू है मेरा, तो मैं बोला अच्छा ना पार्टी। जब पहले दिन नहीं आए थे जब भी मजा आया था ब्रो। आज फुल ऑन क्वारी डे था भाई, फुल ऑन, जितना हमने एंजॉय नहीं किया जितना हम आज चल लिए, और अब पाँव की है ना बच चुकी है मेरी, और अभी भी हम पार्किंग में उछल उछल चल रहे हैं वहाँ से लेके यहाँ तक। पाँवों की हालत चेक करें आप, फुल ऑन मिट्टी में हो रहे हैं भाई।
और अब हम बाइक निकाल रहे बैठ के ले रहे हैं एक ब्रेक और मुझे देख के लग रहा है मैं कोयटा पे बैठा हुआ हूँ शायद ऐसा लग रहा है इतना गर्म फुल पैक हो गए या ये मैंने इसलिए पहना था कि मेरे बाल ख़राब ना हो और बाल ख़राब हुए भी नहीं और कान वानों में हवा भी नहीं गुजरे लेकिन जब भी मेरे सर में बड़ा दर्द हो रहा है क्योंकि इवेंट में तबाही मच गई भाई तबाही इवेंट ही नहीं हुआ जिसके लिए हम गए थे यंग स्टैंडर्स ही नहीं देख पाइए इनकी वजह से गए थे हम यंग स्टैंडर्स की वजह से ना वो आए ना इन्होंने एंजॉय किया। खैर यार छोटा सा ब्रेक लेके निकलते हैं फिर आगे की तरफ। A few moments later. वही बच्चा है। आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? दिमाग खराब मत करना मेरा। क्यों? गुस्सा में तो दूर जाओ। तुम लोगों ने क्या किया ऐसा? तुम अपने आप से पूछो। डबल तो जी भाई घर आ चुके थे हम थोड़ी सी हमने अम्मा की डांट सुनी जिस लाइक आपने देखा होगा बीपी हाई हुआ हुआ था खाने पीने का भी कुछ मंगवा लिया बिकॉज वहाँ पे हमने इतना खाया नहीं बिकॉज रश बहुत था आप लोगों ने देखा बाकी भाई कैफी खलील को बोतलें पड़ना शुरू हो गई कॉन्सर्ट बिल्कुल नहीं हुआ क्योंकि फिर यंग स्टैंडर्स को बुला लेते तो फिर वो तो हाई दिमाग और है तो उनको भी बोतल पड़ना शुरू हो जाती तो वहीं कॉन्सर्ट ख़त्म कर दिया गया आवाम बहुत झाइल आई हुई थी बिकॉज गेट टूट गया था तो सब ऐसे ही घुस गए थे फ्री में घुस गए हम भी पास लिए बिना घुसे अंदर क्योंकि पास ही नहीं मिल रहे थे तो ऐसे ही घुस गए हम भी तो वो यार कॉन्सर्ट में मज़ा आया मतलब शुगर मेला हो गया कुछ खावा लिया हमने क्योंकि परसों हमने खाया नहीं था तो आज भी डे अच्छा गुजर गया लेकिन यार कराची की आवाम आधी है ना जाहिल है आज दिखी तो ये चीज़ें हम लोगों को नहीं करनी चाहिए यार हम लोग अपना बता देते कि हम कहाँ पर रहते हैं और कैसे रहते हैं ये चीज़ें तो यार इस व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं और लास्ट वाला जो व्लॉग हमने जो शूट किया था ना कॉन्सर्ट वाला जो यूनिवर्सिटी माइट में हुआ था वो ज़बरदस्त था अगर किसी ने नहीं देखा तो वो जाके देखो यार कैफी खलील की परफॉर्मेंस आपको वहाँ बहुत अच्छी दिख जाएगी आज सब लड़कियों ने मिस किया यार कुछ लड़कियाँ रो भी रही थी बेचारी लड़कों की वजह से बहुत यार बहुत ही थर्ड क्लास के लड़के थे आज बेचारे बोतलें खींच के मर रहे यार उनकी क्या गलती थी ये बताओ अजीब यार अजीब पूरे कॉन्सर्ट की बजा दी इन लोगों ने खैर इस व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं उम्मीद है मज़ा आया होगा आज के व्लॉग को भी तो आप लोगों ने बहुत सारा लाइक करना है सब्सक्राइब अभी कर दो लाजमी और शेयर करो फ्रेंड को यार सब्सक्राइब कर दो सो अल्लाह हाफिज़।